और लाइट गाइस, दिन की नई शुरुआत नए ब्लॉग के साथ मैं हूं आपका दोस्त मासूम खान। और इस वक्त हम दिल्ली में और अभी हम लोग जा रहे हैं पानीकोट हरियाणा की तरफ, और हमारे कुछ साथी हैं पुराने जो अभी इस वक्त आए हुए हैं और इस राइड में हमारा साथ दे रहे हैं। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करें। और ये सफ़र यहाँ से स्टार्ट होता है, शायद हमारे कुछ साथी आगे हैं। भाई दिल्ली की गर्मी बहुत चिलचिलाती गर्मी है भाई साहब, अभी से पसीने छूट रहे हैं जबकि मैंने कुछ जैकेट भी नहीं पहन रखा है। वो जो लेक है शायद उसके बारे में कहा जाता है कि मतलब पहले वहाँ पे ईट वीट का फैक्ट्री था और वो बंद होने के बाद उसमें पानी जम गया, गड्ढा उड्ढा बहुत ज़्यादा था, तो पानी जमने की वजह से वो एक लेक में बदल गया। बहुत राइडर जाते हैं उस जगह पर, अक्सर आपको मिल ही जाएंगे वहाँ पर। उस लेक की खासियत ये है, काफ़ी शमशान एरिया है, थोड़ा सा रफ रोड है लेकिन मज़ा आएगा। राशिद भाई कुछ दिन पहले ये गाड़ी ली है और ये गाड़ी काफ़ी स्मूथ है, और भाई साहब इसका मेंटेन, ओ भाई सफ़र का मज़ा आता है जब आप दोस्तों के साथ हो तो मज़ा आता है। आप लोगों ने नोटिस नहीं किया है, GoPro का माइक एडेप्टर मैंने ले लिया है और ये मुझे 38 में मिला है। चांदनी चौक के जस्ट पीछे ही आपको एक कैमरा मार्केट है, उसी में मैंने एक शॉप पे लिया और एक साल की वारंटी है इसकी। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है, अगर यार दिल्ली डायरी अगर आप नहीं देखे हो यार उसे देखना यार, मैं आई बटन पर लिंक डाल दूंगा आपके ऊपर जो अभी चल रहा है। आई बटन लिंक आया, बस आप उस पर क्लिक करके देख लेना यार, उसे एक बार ज़रूर देखना। वो अच्छी मैंने वीडियो बनाई है, सब लोग तो तारीफ़ कर रहे हैं, आप भी देखो, आप भी बताओ कैसी है वो वीडियो बनी है। 2 बज गए हैं और हम लोग को पहुंचना है यहाँ से, वैसे पानीकोट 35 किलोमीटर है और ये हम लोग हाईवे पकड़ चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, ये हाईवे का ही इंतज़ार था हमें। थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि आपको रिकॉर्डिंग जो है वो दिक्कत हो, क्योंकि एक्चुअली में मेरा जो हेलमेट है वो घर पर है, मैं किसी काम से पंजाब आया था, हेलमेट वहाँ रहने की वजह से दिक्कत हो गया। और ये भाई साहब ट्रैफिक, ये फरीदाबाद है, हम लोग फरीदाबाद ही अभी तक पहुँचे। हाईवे पे चलने का मज़ा ही अलग है, जब ये आपके आसपास पेड़ मिल जाते हैं ना, मतलब आपको दोनों तरफ छांव रहता है तो फिर अच्छा लगता है। तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो अच्छी अच्छी आएगी। थोड़ा बहुत शुरुआत में प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं प्रॉपर नहीं जानता हूँ ब्लॉगिंग करना, थोड़ा भाई को सपोर्ट करो यार। और संडे है और रोड खाली खाली सा है, वरना इससे भी ज़्यादा जाम होता है भाई, थोड़ा तेज चलना होगा हम लोग को। रास्ता इससे ज़्यादा गंदा अभी आगे का होने वाला है, बहुत ही गंदा उस साइड का रास्ता। ओहो पुल्ली कतई जहर बन रहे हो, धूल देख रहे हो भाई, ये गलत है। अगर आप इस टाइप से रॉन्ग साइड में घुसते हो तो सामने वाले को भी प्रॉब्लम है और आपको भी प्रॉब्लम है। ए सैफ भाई लहरिया कट मार रहे हैं बताइए। और अभी हम लोग हैं हरियाणा हाईवे की तरफ, और यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है पानीकोट, और गाड़ी चल रही है भाई साहब 88। और ये देखो राइडर ये मुझे बहुत गंदा लगता है जब वो पीछे से, मतलब आप इंडिकेटर का गलत इस्तेमाल करते हो। भाई साहब 110 115 16। और ये देखो देखो ये होता है ब्रेकिंग सिस्टम, ये उस वक्त के बाद ये कुछ अच्छा सा रोड मिला है, सब लोग अपना जोश दिखा रहे हैं। टोल प्लाजा है आगे 1 किलोमीटर पे यहाँ से, मंजिल दूर नहीं है भाई साहब, मंजिल के जस्ट करीब पहुँच गए हम लोग। और यहाँ पे अल्फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद का जो है हरियाणा में, वो इसी साइड पड़ता है। जाम भाई साहब ये क्या है, और ये ऑफ रोडिंग यहाँ से स्टार्ट। ओहो बहुत दिन बाद ये ऑफ रोडिंग मिला है, बहुत दिन बाद ये ऑफ रोडिंग का मज़ा। ये आगे व्यू देखो आप भाई साहब, गजब व्यू यार, ओ तेरी। ये लेक आपको दिख रहा होगा, गड्ढे काफ़ी हैं, देख रहे हो भाई ये गड्ढा, देखो मज़ा ही कुछ और है। पानी तो भाई साहब यहाँ का ही मतलब पूरी साफ दिख रही है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। यासिर भाई आ चुके हैं, फैसल भाई,
और ये हमारा सैफ कहाँ रह गया? नज़ारे जो हैं ये हैं, आप देख सकते हो भाई साहब, पानी कुछ ज़्यादा साफ है। तेरी कैसा लग रहा है यासिर भाई यहाँ का? अच्छा तो लग रहा है, बाल जी मेरा खराब हो रखा है। मतलब यार, राइट पे निकलिएगा आप, बाल को देखिएगा। भाई लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो। ओम पो दर्राटे काट रही है, दर्राटे काट रही है। ओम पो ओम पो इस साइड से ओम पो धर्राटे काट रही है, रिटर्न जा रहा है, उस साइड से भी रिटर्न आ रहा है। यासिर भाई ये गिरते गिरते बचे। ओ तेरी, ये देखो पानी कुछ ज्यादा साफ है, आप देख सकते हो अंदर तक दिखेगा नीला नीला पानी। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। धूर भाई साहब कुछ जाता है इधर, गजब ताऊ गजब ये नज़ारे। यहीं पे ख़त्म होता है इस ब्लॉग में। यार कोशिश बहुत की है कि अच्छा आवाज़ आए, हर कोई चीज़ की दिक्कत ना हो। बाकी इस ब्लॉग में मेरे दोस्त ली राशिद, यासिर और फैसल भाई, सैफ, आदिल और भी बहुत साथी थे जो बहुत मेरा सपोर्ट किए हैं। उन लोगों को यार थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को। इससे क्या होता है कि सपोर्ट मिलता है।